छिंदवाड़ा जिला के चोरे विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गांव टुनवारा रामगढ़ बड़ेला एवं क्षेत्र के बहुत सारे किसान हुए आक्रोशित। बिजली नहीं मिलने पर पूरे किसानों ने पावर हाउस खिरेटी जाकर पावर हाउस के ऑपरेटर से बातों बातों में हाथापाई की। एक दूसरे की धक्का मुक्की से किसानों को आई चोटें। किसानों का कहना है कि बिजली हम सभी को 10 घंटा देने का समय बनाया गया है, जिसमें दिन में 6 घंटा बिजली देने का है, लेकिन 2 घंटा ही दिन में बिजली मिलती है और रात में 4 घंटा बिजली देने का है, लेकिन 3 घंटे ही बिजली देते हैं। बिजली पूरे 10 घंटे नहीं मिलने पर किसानों की गेहूं की बुआई हो तो गई है, लेकिन बिजली नहीं रहने पर गेहूं के दाने खेतों में पड़े हैं। सिंचाई नहीं होने पर ज्यों के त्यों खेतों में दाने पड़े हैं, जिसे चींटियां खा रही हैं। बिजली विभाग के जेई का कहना है कि बिजली पूरे 10 घंटे दी जा रही है, कुछ खराबी के कारण बिजली 10 घंटे देने में असुविधा हो गई है, लेकिन तत्काल ही किसानों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी, किसानों को पूरे 10 घंटे बिजली मिलेगी। किसानगण पावर हाउस में आकर इस प्रकार लड़ाई ना करे और समझाइश थी कि आप सभी डी साहब से मिले। किसानों का कहना है कि हमने जो बोनी की है कुछ तो उग गई है, लेकिन सिंचाई नहीं होने पर सूखने लगी है। यदि हमारी फसल को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे हरी भरी रहेगी? उनकी स्थिति तो पानी के बिना मछली मर जाती है, ऐसी स्थिति हो गई है। हम सभी किसानों की मांग है कि हमारी समस्या तत्काल हल की जाए। संबंधित बिजली से शिकायत करने ग्राम टुनवाड़ा के ग्रामवासी लोग आए थे, जिनके द्वारा उपस्थित ऑपरेटर से तेज आवाज में बात करते हुए अभद्रता की जा रही थी, जिसके विरोध में उन लोगों ने बताया कि बिजली इतने बजे से इतने बजे तक दी जाती है। चार गांव एजी को दोपहर 2 बजे से शाम के 8 बजे तक 6 घंटे, करेटी एजी फीडर को 2 बजे से शाम के 8 बजे तक 6 घंटे, रात्रि में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 घंटे चार गांव को, और खिरेटी को रात में 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है। कभी कभी खराबी आ जाने के कारण बिजली शेड्यूल में अंतर आता है, अन्यथा पूरी सभी 10 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है। फीडर में फॉल्ट आने के कारण कभी कभी व्यवधान आते हैं। किसानों के द्वारा अभद्रता और इनके द्वारा अभद्रता की जाने में हाथापाई की गई है, जिसे हम पुलिस थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की बातें ना हो। किसानों द्वारा रात्रि वाले को दिन में बिजली चाहते हैं, ऐसा उनका निवेदन है। जी भाई, आदरणीय पत्रकार महोदय जी से हम ये निवेदन चाहते कर रहे हैं और आपसे ये पूछा कर रहे थे, किसानों के साथ ऐसा दोबारा व्यवहार ना हो कि किसानों की समस्या बिजली और पानी दोनों चीज से जूझ रहे हैं। तो हम आप लोगों से, आपके माध्यम से, उच्च अधिकारी जी है, डी है, और पुलिस प्रशासन से भी और शासन प्रशासन से भी हम यही उपेक्षा कर रहे हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। किसान इतना मजबूर है और इतना कमजोर है आर्थिक स्थिति से, बहुत जूझ रहा है, लाइट तो बराबर मिल नहीं रही है, ऊपर से मार खाना पड़ रहा है। हमको 2 बजे रात को लाइट नहीं चाहिए, 2 बजे से लाइट का भी शेड्यूल चेंज होना चाहिए। और जो लाइट तो मिल रही है वो सुबह से मिलना चाहिए, पूरा 12 घंटा 10 घंटा जो भी दे रहे हैं एमपी विभाग, नियम है सुबह से मिलना चाहिए। और दोबारा ऐसा किसानों के साथ ऐसा खतरा न हो, मूल फोड़ा न हो। चोरई से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।